हेलो एवरीवन, जो भी एस्पिरेंट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला के अंदर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हेतु फॉर्म की जो एप्लीकेशन है वो मांगी गई है। इसके लिए मैं जो ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ hpsc.gov.in, इस पे जाना है। यहाँ पर जाकर आपको एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने से कुछ इस तरीके से खुलेगा, तो इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2024 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ग्रुप बी। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें एडवर्टाइजमेंट हमारी खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी एडवर्टाइजमेंट खुल के आएगी वो हम देखेंगे अभी कि किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट खुल के आ रही है हमारे को। ठीक है जी, तो इस एडवर्टाइजमेंट में हम ये देखेंगे कि फॉर्म, देखिए ये एडवर्टाइजमेंट खुल गई और इसमें ये बताया हुआ है कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ग्रुप बी की वैकेंसी निकली है और इसकी जो इसमें टोटल जो है जनरल और अनरिजर्व सीटें हैं वो 427 हैं और कैटेगरी की सीटें हैं जैसे एससी हरियाणा की 161 है ना, इस तरीके से कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। और इसका जो सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 22/6/2024 से शुरू होगा और जो लास्ट डेट है यानी क्लोजिंग फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 12/7/2024 को 5 बजे तक ही रहेगा और जो फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है वो भी 12/7/2024 तक ही रहेगी 5 बजे तक। ठीक है जी, तो इस तरीके से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये जो है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ग्रुप बी की वैकेंसी आई हुई है। तो इसके अंदर जो है अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट मैंने बताया है hpsc.gov.in, इस पे जाना है और जो डिटेल है वो आप सब इसमें पढ़ सकते हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। तो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है BMS यानी डिग्री इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट यानी BMS होना चाहिए और 10th क्लास तक मैट्रिक होना चाहिए। और इसमें बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है नोट कि कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा, यानी हरियाणा के जो आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें पंजीकृत भी होना चाहिए अभ्यर्थी जो है। तो इस तरीके की जो बताई हुई है ये सब एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है और जो भी एक्सपीरियंस है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट है क्लोजिंग डेट उसके आधार पर ही मानी जाएगी। ठीक है, तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसका जो स्केल ऑफ पे है वो एज पर 7th पे कमीशन इनिशियल पे 47,600 रहेगा। ठीक है जी, तो और जो सर्विस रूल है वो सर्विस रूल की जो वेबसाइट है वो है ayushariyana.gov.in, इस पे जाके देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं ये और एज लिमिट है कि 23 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 42 ईयर से ज़्यादा एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1/6/2024 के ऊपर। ठीक है जी, SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, BC यानी बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा उसके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो ये भी रिलैक्सेशन है कुछ कैटेगरीज में, ये ज़रा टेबल ये देख लीजिए आप लोग। और उसके बाद जी इस तरीके से ये फॉर्म निकला हुआ है, तो लास्ट डेट तक आप सब इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और जो भी तैयारी कर रहे हैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की उनके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जितने भी मित्र हैं उन सबको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।